राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। राज्य में कुल 19 लाख बच्चों ने ये परीक्षाएं दी हैं और उन्हें बेहद ही बेसब्री से इसके परिणाम का इंतजार है। जो विद्यार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे वो आधिकारिक वेबसाइट rajedubord.rajasthan.gov.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब अगले एक हफ्ते में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। राजस्थान बोर्ड हर साल मई के मध्य या जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करता है, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट इसी सप्ताह अनाउंस किया जा सकता है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से इसके लिए कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों के अनुसार इस बार चुनावी आचार संहिता के वजह से रिजल्ट के आने में देरी हो रही है। राजस्थान बोर्ड ने ये तर्क भी बताया है कि वे चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही रिजल्ट की घोषणा करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपना रिजल्ट घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajresults.nic.in पर जाएं। होम पेज पर जाकर कक्षा 10वीं और 12वीं जिसका भी रिजल्ट आपको देखना हो उसके दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप 12वीं का रिजल्ट देख रही हैं तो एक विंडो आएगी जिसमें आपको अपनी स्ट्रीम चुननी होगी। लॉगिन के लिए डिटेल्स भरें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। याद से चेक करने के बाद रिजल्ट को डाउनलोड जरूर कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद हैवी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे में कई बच्चे अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाते हैं और उन्हें दोबारा रिजल्ट को लोड करने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन इसके लिए भी एक समाधान है। इन मुश्किलों के चलते ही ऐसे केस में आप SMS के जरिए आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बस करना ये होगा कि अगर आप 10वीं का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप राज 10 लिखकर इसके बाद अपना रोल नंबर लिखें और इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। वहीं अगर आप 12वीं का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो राज 12 लिखकर उसके आगे अपना रोल नंबर लिखकर 56263 पर SMS भेज दें। आपको तुरंत SMS के माध्यम से अपना रिजल्ट मिल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।